नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का कराया जा रहा है सर्वे। आज अंतिम बार छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश। 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। आज मनाई जाएगी भाई दूज। बिहार सरकार के मंत्री ने नाकाम होने की मानी बात। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इस बाबत बताया कि बीते दिन हुए समीक्षा बैठक के अनुसार सीएम के सामने इसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। मुख्यमंत्री की बैठक में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का किस प्रकार निपटारा हो रहा है, उसकी रिपोर्ट ली गई और जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस पर काम हो रहा है कि नहीं, उसकी भी जानकारी ली गई। विभाग की तरफ से बताया गया है कि वो आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे थे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सोनी सिंह की। सोनी सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 14 दिसंबर को 1986 में हुआ था। सोनी सिंह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वो कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट स्विथ कपिल में नजर आ चुकी हैं। वो रियलिटी शो बिग बॉस 8 में प्रतियोगियों में भी एक थी, लेकिन 5 सप्ताह के बाद बाहर हो गई थी। उन्होंने घर की लक्ष्मी बेटियां में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। सोनी कई टीवी शो में काम कर रही हैं, जिनमें उनके उल्लेखनीय काम जैसे बनू मैं तेरी दुल्हन, घर की लक्ष्मी बेटियां, 3 बहुरियां, झांसी की रानी और मन की आवाज प्रतिज्ञा शामिल है। वो बिग बॉस 8 की कंटेस्टेंट भी रही थी। भारतीय वायुसेना में सरकारी नौकरी का मौका। भारतीय वायुसेना में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। इंडियन एयरफोर्स द्वारा एचक्यू सेंट्रल एयर कमांड, एचक्यू ईस्टर्न एयर कमांड, एचक्यू साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, एचक्यू सेंट्रल एयर कमांड, एचक्यू वेस्टर्न एयर कमांड, एचक्यू ट्रेनिंग कमांड और एचक्यू मेंटेनेंस कमांड में ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार संबंधित सप्ताह के रोजगार समाचार पत्र में दिए गए प्रारूप के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का कराया जा रहा है सर्वे। कोरोना के कारण शिक्षा का क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल जाना पिछले 1.5 साल से छूट गया है। गली मोहल्ले के छोटे निजी स्कूलों और सरकारी स्कूल के बच्चे इससे अधिक प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि इस साल मार्च में बिहार सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन के लिए बड़ा अभियान चलाया। बावजूद इसके सरकार को चिंता है कि अब भी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। खासकर की आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े इलाके में सरकार अब ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूल भेजने के लिए सर्वे का काम करवा रही है। को लेकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों और किशोरों के सर्वे के लिए प्रखंडों में कर्मियों को तैनात किया गया है। बिहार में बदलने का मौसम का मिजाज। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। मौसम विभाग पटना के अनुसार 8 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में इन दिनों उत्तर पश्चिमी हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी हवा के प्रवाह थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री पारा गिरने के आसार हैं। प्रदेश में आज यानी कि शनिवार को पटना में इसके आसपास क्षेत्रों में सुबह से हल्की धुंध का आसार होगा। वहीं धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। सिल्क सिटी में बन रहा है गंगा रिवर फ्रंट। बरारी पुल घाट से हनुमान घाट तक को सवारने का काम जल्द ही होने वाला है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहां रिवर फ्रंट का निर्माण होगा। 162 करोड़ रुपए की लागत से 1.1 किलोमीटर इलाके की सूरत बदल जाएगी। कंपनी ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। निर्माण कार्य छठ के बाद शुरू हो जाएगा। इसको लेकर हाल ही में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने स्मार्ट सिटी के अधिकारी के साथ बरारी पुल का निरीक्षण किया। हालांकि ये घाट कई मायनों में शानदार होने वाला है, जिसके तहत घाट पर लेजर शो होगा, जिसमें भागलपुर का गौरव मस्तन, कतरनी चावल, मंजूषा कला, रेशम उद्योग समेत कई चीजें देखने को मिलेंगी। इस यंत्र को सामुदायिक भवन से संचालित किया जाएगा। हालांकि गंगा घाट किनारे अतिक्रमण के कारण कार्य प्रभावित भी हो सकता है। सभी डीएम और एसएसपी को जल्द ही भेजा जाएगा नोटिस। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है, क्योंकि दिवाली के मौके पर जहां आतिशबाजी पर रोक लगाई गई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन दिवाली के मौके पर किसी भी नियम का पालन होता नहीं देखा गया। देर रात तक धड़ल्ले से लोगों ने पटाखे फोड़े और कानून की धज्जियां
उड़ने के बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आई है। बोर्ड के चेयरमैन ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटाखों पर पाबंदी लागू नहीं हो पाई। इसको लेकर अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसको लेकर बोर्ड की तरफ से संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी से जवाब की मांग की जाएगी कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद पटाखे कैसे खुलेआम बिके और आतिशबाजी कैसे हुई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, ऐसे में आज हम आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर के बारे में बताने वाले हैं। भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में कहलगांव के पास तिनचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में ये नष्ट हो गया था। आज अंतिम बार छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश। छठ महापर्व की शुरुआत सोमवार से होने वाली है। वहीं इस महापर्व को लेकर आज सीएम नीतीश अंतिम बार छठ घाटों का निरीक्षण करने वाले हैं। इससे पहले भी सीएम नीतीश ने घाटों को देखा है। उनके अनुसार पिछली बार उन्होंने जो भी आदेश दिया था उन सभी जगहों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। साइट देखने के बाद घाटों की तैयारी का निर्णय लिया गया है। घाटों का निर्माण भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। बैरिकेडिंग का काम हो रहा है। सुविधा और सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं आज आखिरी बार एक बार फिर से निरीक्षण करने वो आने वाले हैं। आज मनाई जाएगी भाई दूज। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस त्योहार को भाई टीका, यम द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तारीख को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। मान्यता है कि इस दिन यम अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन के लिए आए थे। इस बार भाई दूज 6 नवंबर यानी कि आज मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के अनेकों बार बुलाने के लिए उनके घर गए थे। यमुना ने यमराज को भोजन कराया और तिलक कर उनके खुशहाल जीवन की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर यमराज ने बहन यमुना से वर मांगने को कहा था। यमुना ने कहा कि आप हर साल इस दिन मेरे घर आया करो और इस दिन जो बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसे आपका भय नहीं रहेगा। यमराज ने यमुना को आशीष प्रदान किया। कहते हैं कि इसी दिन से भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। अपने ही कानून को लेकर घिरे सीएम नीतीश ने दिया बड़ा बयान। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छठ महापर्व के बाद शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी से हम पहले से कह रहे थे गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े। लगातार पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती रही है और लोग गिरफ्तार होते रहे हैं। अवैध शराब बरामद की जाती रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने के कारण 25 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इधर सरकार की तरफ से जो बात सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब तक शराब से 21 लोगों की जान गई है। दिवाली के बाद छठ को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। बिहार के विश्व प्रसिद्ध लोक पर्व छठ पूजा को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत बाजार में महापर्व को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है। बाजारों में अभी से ही सूप दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में रहने वाले लोग छठ पूजा को लेकर बिहार पहुंचने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार छठ पूजा 10 नवंबर 2021 को मनाया जा रहा है। ये बिहार के सबसे कठिन व्रतों में से एक है। मान्यता है कि छठ मैया का व्रत रखने वाले और विधि विधान से पूजा करने वाले दंपति को संतान सुख मिलता है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। ज्ञात हो छठ पूजा का व्रत सूर्य देव को समर्पित होता है जो मुख्य रूप से 3 दिनों तक चलता है। 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। कोरोना के माहौल के बीच केंद्र सरकार की तरफ से गरीब तबके के लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया जा रहा था, जिसके तहत खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने अब अपना बयान जारी किया है। क्योंकि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देने की समय सीमा केवल 30 नवंबर तक ही थी, ऐसे में इसके विस्तार की खबरों को उन्होंने खारिज कर दिया है। सुधांशु पांडे की माने तो केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए मुफ्त राशन के वितरण को 30 नवंबर के बाद बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके पीछे उन्होंने अर्थव्यवस्था में रिकवरी और OMSS पॉलिसी के तहत खुले बाजार में अनाज के अच्छे निपटान को इसकी वजह बताया है।
वीटीआर में बाघों की गिनती के लिए लगाए गए कैमरे। वीटीआर में वर्तमान समय में कितने बाघ मौजूद है इसको लेकर साल 21-22 के तहत बाघों की गणना शुरू हो गई है, जिसके तहत डिवीजन 1 के मुंगराहा गोवर्धना रघिया में कैमरा ट्रैक किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसको लेकर 550 कैमरे लगाए गए हैं। वीटीआर के क्षेत्र निदेशक हेमकांत रॉय की माने तो कैमरे से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उत्साहजनक है। खबर लिखे जाने तक शावकों की अच्छी संख्या दिखाई देने की जानकारी आई थी। इससे जाहिर होता है कि इस साल का परिणाम काफी अच्छा रहेगा। डिवीजन 1 में अक्टूबर महीने से कैमरा इंस्टॉल करने का काम शुरू हुआ था। नवंबर के अंत तक इस डिवीजन में गणना का काम खत्म हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गणना करने के लिए पहले से ही तैयारी चल रही थी। इसको लेकर कहां कहां कैमरा लगाना है इसकी मैपिंग तैयार कर लिया गया था। बिहार सरकार के मंत्री ने नाकाम होने की मानी बात। बिहार में भले ही नीतीश सरकार शराबबंदी के कसीदे पढ़ रही हो, लेकिन बिहार सरकार इस मामले में नाकाम रही है, क्योंकि जैसी खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार खराब शराब पीने के अब तक लगभग कई मामले सामने आ चुके हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इस कानून को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, इससे आज लोगों को फायदा हुआ है, महिलाओं का समर्थन मिला है, उन्हें भी फायदा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। हम विपक्ष के सुझाव पर विचार करेंगे, लेकिन शराबबंदी नाकाम नहीं हुई है। हम समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं। अब तक 60,000 से अधिक वाहन भी सीज किए गए। बिहार में उपचुनाव के बाद भी कांग्रेस और राजद में तल्खी बरकरार। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच में तल्खी जारी है। हालांकि जानकार मान रहे थे कि परिणाम आने के बाद दोनों के रिश्ते थोड़े सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन बनाकर कांग्रेस राजद और वाम दलों ने जिस मजबूत विपक्ष का दावा पेश किया था वो अब धराशाही दिख रहा है। हालांकि इसके बावजूद राजद ये दावा कर रही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, अकेले जनता के मुद्दों को लेकर बिहार में चलने में समर्थ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी राष्ट्रीय जनता दल को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को बताया बड़बड़ करने वाला नेता। इन दिनों बिहार में शराबबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी अब सरकार का घेराव कर रहे हैं, जिसके तहत ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीते दिन एक के बाद एक कई ट्वीट जारी कर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर बड़बड़ करने वालों के राज्य में पिछले 3 दिनों में ही इसका सेवन करने से कई लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री खुद प्रशासन माफिया और तस्कर पुलिस पर कार्रवाई के बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहे। मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब पर प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपा मंत्री खड़े हैं, ना उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। यहां भाजपा मंत्री से उन्होंने राम सूरत रॉय की तरफ इशारा किया है। पेट्रोल डीजल के बाद अब खाद्य तेल भी होगा सस्ता। दिवाली के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करके पूरे देश को तोहफा दिया था, जिसके बाद अब सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों में भी कटौती करने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय ने खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए खाद्य तेल पर बेसिक ड्यूटी समेत करके कुछ अन्य मदों में कटौती करने का फैसला लिया है। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के मुताबिक कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% घटाकर शून्य कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि बीते 1 साल से हो रही खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। कोरोना से बचाव के लिए दवाई का इजाद करने का किया दावा। देश भर में कोरोना के मामलों में फिलहाल कमी देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य विभाग लगातार टीकाकरण को लेकर काम कर रहा है। इसी बीच अब फाइजर ने कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच बड़ा दावा किया है, जिसके तहत दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंक ने कहा है कि उसकी प्रायोगिक एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90% तक कम हो जाता है। कंपनी इसी के साथ अमेरिकी बाजार में कोविड-19 के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली पहली दवा पेश करने की दौड़ में शामिल हो गई है। इसको लेकर फाइजर ने 775 व्यसकों पर अपने अध्ययन के प्रारंभिक परिणाम भी जारी किए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पुष्पम प्रिया ने सीएम नीतीश से पूछा सवाल। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भले ही प्रशासन ने इसमें 8 रुपए के आसपास कटौती कर दी हो, लेकिन अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार ही है। वहीं बढ़ते दाम को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने अब सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत नीतीश कुमार की तरफ से बिहार में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वैट दरों की कटौती को लेकर किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पुष्पम प्रिया ने पूछा कि आखिरी बार पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में खुद से कब तेल भरवाए थे। इतना ही नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में शराबबंदी की दुर्दशा पर भी नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। गांधी जी ने बैरिस्टर का प्रशिक्षण लेने के बाद 1888 में लंदन के इनर टेम्पल में प्रवेश किया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ 1913 में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2008 में प्रधान ब्याज दर और जमादारों की कटौती की घोषणा की। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को 2013 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देश की घोषणा की गई थी। लोकसभा सदस्य यशवंत सिन्हा का जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर रॉय का निधन 2010 में आज ही के दिन हुआ था। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने लिया संन्यास। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ब्रावो मौजूदा T20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद ड्वेन ब्रावो ने फेसबुक पर लाइव आकर ICC को बताया कि वो इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास ले लेंगे। ब्रावो ने कहा कि उन्होंने काफी सालों तक वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया और अब संन्यास का वक्त आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। मेरा करियर काफी शानदार रहा, मैंने वेस्टइंडीज का 18 सालों तक प्रतिनिधित्व किया और कई उतार चढ़ाव मेरे करियर में आए। इंटरनेट के भी भेज सकते हैं ईमेल। जीमेल दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ईमेल सर्विस में से एक है। स्टेटिस्टा के अनुसार गूगल की ईमेल सर्विस पर साल 2021 के शुरुआत में दुनिया भर में 1.5 बिलियन एक्टिव यूजर थे। भेजे गए ईमेल को वापस बुलाने और बिना इंटरनेट कनेक्शन के मेल भेजने तक प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। आपको बस इतना करना है कि फीचर को इनेबल करना है और mail.google.com को बुकमार्क करना है। ध्यान दें कि यह फीचर केवल क्रोम के साथ काम करता है। सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए ऑफलाइन मेल इनेबल करें। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,910 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,150 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। सिनेमाघरों में पहुंची अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर अक्षय के फैंस के बीच जबरदस्त जोश देखने को मिला तो ट्रेड भी उत्साहित है। देश में बड़े पैमाने पर सिनेमाघर खुलने के बाद ये पहली बड़ी रिलीज है। फिल्म के बेहतरीन ओपनिंग कलेक्शन करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ट्रेड जानकारों का अनुमान है कि अगर फिल्म 3,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज होती है तो 15 से 20 करोड़ के बीच पहले दिन बटोर सकती है। फिल्म के एडवांस बुकिंग को लेकर मुंबई में अच्छा रुझान भी देखने को मिला। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुमार राहुल, माही आनंद, मनीष मोहरा, बबीता यादव, लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मण प्रसाद कुमार, कुश कुमार यादव, रूपम कुमारी, सभी कुमारी, शत्रुघ्न कुमार, सचिन कुमार, नंदन कुमार, प्रवीण कुमार, अमित राधाना, अर्जुन कुमार, रोशन सिंह, विजय तिवारी, राजा बैच। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दिवाली के मौके पर आपके जिले में आतिशबाजी हुई थी या नियमों का पालन किया गया था? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।